दोस्तों ये है लावा गॉड। लेकिन लावा गॉड तो ब्लैक नहीं रेड हुआ करता था। आखिर इस लावा गॉड के साथ ये सब कैसे हुआ? कैसे एक खूंखार और शक्तिशाली लावा गॉड आज के डेट में एक सिंपल और मामूली लावा गॉड बन के रह चुका है? कैसे इसने अपनी सारी शक्तियां खो दी और कैसे ये रेड लावा गॉड से एक बेजान ब्लैक लावा गॉड में बदल गया? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। अरे शिनचैन और चॉप, क्या तुम दोनों रेडी हो? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हम तो रेडी हैं, आप आ जाओ फटाफट से। अरे वो दोनों आ गए, यानी कि हल्क और आयरन मैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, वो दोनों भी आ गए हैं, ये देखो गाड़ी पे ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अरे यार तूने कितना टाइम लगा दिया फ्रैंकलिन। अरे टाइम तो तुम लोगों ने लगा दिया, मैं काफी देर से तुम लोगों का वेट कर रहा था। अरे हम भी वेट कर रहे थे, तू जल्दी आया कर फ्रैंकलिन। अरे कोई बात नहीं, मैं फाइनली आ चुका हूँ। और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारा आयरन मैन भी आ चुका है और हमारा हल्क जो है वो भी आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया फटाफट से लेके चलो ना उस वाली लेक पे जो कि माउंटेन के ऊपर है। अरे हाँ भाषा पकड़ लो प्लीज और लेके चलना। अरे मेरे को लगता है गाइज ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। चलो गाइज मेरी प्यारी सी ब्लैक कलर की ये कार देखो, काफी ज्यादा चमक रही है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया फटाफट से लेके चलो हम लोगों को सीधा उस वाले माउंटेन पे जहाँ पे हम लोगों को वो स्पेशल लेक देखने को मिलेगी। अरे हाँ गाइज चलो फटाफट से चलते हैं लेक के पास। चलो गाइस काफी लंबी चौड़ी ड्राइविंग करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उस वाले माउंटेन के पास जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया सही बात है, इस माउंटेन पे तो एक छोटा सा प्यारा सा लेक है। अरे वाह तूने तो सही बोला फ्रैंकलिन। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इसी लेक की बात कर रहा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक जेट स्की ऑलरेडी लाके रख दिया है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपने तो सही में कमाल कर दिया, हमारे लिए सारे जुगाड़ पहले से कर रखे हैं। अरे भाई कलवे मैं तो कहता हूँ फटाफट से अब हम सभी लोगों को फ्रेश होना चाहिए और इस छोटे से प्यारे से लेक में तैरना चाहिए। अरे हाँ गाइस तुम लोग फटाफट से आ जाओ, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। फटाफट से जेट स्की पे बैठते हैं और जेट स्की चलाते हैं। वाह गाइस मैं तो जेट स्की पे बैठ गया, तुम लोग बस मेरे को देखते रहो, मैं करूंगा मजे और तुम लोग बस मेरे को देखते रहोगे। ये देखो गाइस हमारा ये जो छोटा सा लेक है, एक्चुअली मैंने ये कुछ दिनों पहले ही डिस्कवर किया था, ये माउंटेन के ऊपर बना हुआ है इसलिए ये काफी ज्यादा मस्त है। छोटा सा प्यारा सा लेक, हम इसमें हमेशा छुट्टियों में आएंगे और मजे करेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ये तो काफी इंटरेस्टिंग लेक है। अरे भाई कुलवे अब तू हट जा। अरे यार हट तो मैं जाऊंगा लेकिन तुम लोगों को जेट्स की चलाने आती है? अरे यार मेरे को आती है जेट्स की चलाने। अरे क्या बोल रहा है आयरन मैन? अरे मैं भी जेट्स की चला लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया अगर आपको तैरना आता तो तैर के दिखाओ। ठीक है गाइस ये लोग मेरे को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं तैर नहीं सकता। अरे फ्रैंकलिन भैया डुबकी नहीं लगानी बस तैरना है। अरे हाँ तैर ही रहा हूँ। ओह माय गॉड पानी तो थोड़ा ठंडा है लेकिन मेरे को सही में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि धूप निकली हुई है चारों तरफ आप लोग देख सकते हो और यहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना है और अगर आप लोग नोटिस करो तो आसमान में चांद भी दिख रहा है। अरे क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन भैया और समुद्र दिख रहा है क्या? अरे हाँ समुद्र तो दिख रहा है। एक सेकंड गाइस ये क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया, आवाज और बोलती क्यों बंद हो गई? अरे एक सेकंड गाइस ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे ये तो लावा गॉड है। अरे एक सेकंड ध्यान से देखता हूँ, ये तो सही में लावा गॉड है, एक नहीं तो लावा गॉड है। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया आपकी तो सही में बोलती बंद हो गई। अरे यार अगर तुम लोगों ने भी देखा जो मैं देख रहा हूँ तो तुम लोगों की भी बोलती बंद हो जाएगी। बाप रे भागना पड़ेगा यहाँ से। ओह माय गॉड ये दोनों लावा गॉड यहाँ पे कैसे आए? पहले तो एक ही लावा गॉड हमारे पृथ्वी पर राज करता था, उसे हमने भगा दिया था, लेकिन ये दूसरा वाला लावा गॉड और वो पुराना वाला लावा गॉड दोनों यहाँ पे आ गए हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या हो गया, इतने ज्यादा बड़बड़ा क्यों रहे हो और ऊपर से डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे गाइस भागना पड़ेगा, अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया तब तो मेरे को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे क्योंकि गाइस लावा गॉड से हम लोगों की बहुत बड़ी दुश्मनी है। काफी टाइम से ये लावा गॉड के बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर राज करना चाह रहे हैं। मतलब वैसे तो ये लावा गॉड ही है, ये जूनियर लावा गॉड नहीं है, लेकिन भाई मेरे को काफी डर लग रहा है, मैं इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अपने दोस्तों के पास। अरे फ्रैंकलिन भैया आ जाओ आ जाओ, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। अरे यार क्यों डर गया तू फ्रैंकलिन? अरे यार रुक जाओ मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, तुम लोगों को सारी बात बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ एक मिनट मैं ही आ जाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया सही में काफी डर गए हैं। अरे भाई कल वो को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है और वो करना क्या चाहता है। अरे तो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी वहां पे तैर के गया उस साइड तो मैंने नीचे देखा कि वहां पे दो दो लावा गॉड्स आ गए हैं। अरे क्या बोल रहा है, लावा गॉड्स ऐसा हो नहीं सकता, वो तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी पृथ्वी को छोड़ के चले गए थे ना। अरे हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगा था लेकिन यहाँ पे एक लावा गॉड नहीं इस बार दो दो लावा गॉड्स आए हैं, मेरे ख्याल से वो अपने किसी दूसरे वाले लावा गॉड को बुला के लाया है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या बात कर रहे हो,
अरे हाँ, तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो मेरे पीछे आ जाओ, तुम लोग खुद देख लो अपनी आंखों से। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, हम अभी आते हैं। अरे फ्रैंकलिन, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ अपनी सूट की मदद से उड़ के हवा में, देख के आता हूँ कि आखिर कौन सा लावा गॉड हमारे पृथ्वी पे वापस आया है और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पृथ्वी पे वापस लौटे। चलो मैं जाता हूँ फटाफट से। अरे हाँ, जाओ जाओ आयरन मैन अंकल। अरे कहाँ है वो लावा गॉड? अरे सामने देखियो, वहीं पे है। अरे ठीक है फ्रैंकलिन, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चलते हैं। एक सेकंड, मेरे को अभी तक तो दिखा नहीं। एक सेकंड, ये तो सही में यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे तो दो दो लावा गॉड्स है गाइस। ये देखो, ये तो सही में काफी खतरनाक लावा गॉड्स हैं। यहाँ पे एक तो यार कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखो, ये अपने पावर के पोजीशन पे आ चुका है और ये किसी ना किसी पावर का यूज करने वाला है। और दूसरा वाला लावा गॉड वहां पे खड़ा है। पता नहीं ये दोनों वापस कैसे आए, लेकिन पहले तो एक ही लावा गॉड था, ये वाला गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे एक नया वाला लावा गॉड, ये वाला लावा गॉड आ चुका है। ओ माय गॉड, ये तो सही में काफी खतरनाक लग रहा है। मैं आज इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं आयरन मैन अंकल, आप उससे लड़ाई मत करना। अरे हाँ, लड़ाई मत करियो यार, नहीं तो वो तेरे को हरा देगा। नहीं आज तो मैं इसे हरा के रहूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले फटाफट से खतरनाक वाली लेजर खा। हे, ये कौन आ गया है? कौन है तू छोटे से प्राणी? अरे ये क्या कर दिया इसने? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो हमारे आयरन मैन को तो उसने पानी में गिरा दिया। अरे भाई, उसकी सारी की सारी पावर्स ले ली। अरे यार, ये तो सही में काफी खतरनाक लावा गॉड्स हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, फटाफट से निकलना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो देखो यार हमारा आयरन मैन वापस आ रहा है। अरे भाई साहब, बात तो सही है, आयरन मैन बेमतलब में पंगा ले रहा था। अरे गाइस, ये देखो, ये दोनों लावा गॉड्स सही में काफी खतरनाक है और ये दोनों पता नहीं कैसे हमारी धरती पे वापस आए, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलो अपने दोस्तों के पास चलते हैं। और ये देखो, मैं फाइनली अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका हूं गाइस। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो हमारा आयरन मैन आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन, मैंने देख लिया भाई, वो तो सही में काफी ज्यादा खुखार, काफी खतरनाक है। मैं जैसे ही उसके सामने गया, उसने मेरी सारी पावर्स खत्म कर दी और मैं पानी में गिर गया। अरे तभी तो बोला था उसके सामने मत जा। अरे हाँ, बात तो सही है, मेरे को जाना नहीं चाहिए था। चलो एक काम करते, फटाफट से गाड़ी में बैठो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे पास एक प्लान है। अरे कौन सा प्लान है तेरे पास? अरे फ्रैंकलिन भैया, क्यों ना मैं पेंटिंग की मदद से एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्लू गॉड बना दूं, यानी कि आइस गॉड जो हमारा दोस्त था। अरे वाह, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वाला आइस गॉड बनाएंगे तो वो कभी भी इन दोनों लावा गॉड्स को हरा नहीं पाएगा। अरे तो फ्रैंकलिन भैया, कौन सा वाला आइस गॉड बनाऊं? वो तो यार मेरे को भी नहीं पता। अरे उसका जवाब एक इंसान के पास होगा कि हमें कौन से वाले आइस गॉड को बुलाना चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहा है हल्क? अरे हाँ, मैं फटाफट से उस इंसान को बुला के यहाँ पे लेके आता हूँ। अरे ठीक है, तू जा फटाफट से उसे बुला के ला, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं। अरे ठीक है हल्क, जाओ तुम फटाफट से। आ जाइए बाबा जी, आ जाइए। ये देखिए, ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं, इन्हीं लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। तुम लोगों को कौन सी मदद चाहिए? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो हमारा हल्क जो है वो किसी बाबा को लेके आया है। अरे ये बाबा बहुत बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ये हम लोगों की हेल्प जरूर करेंगे। अरे वाह हल्क, तूने बहुत अच्छा काम किया। अरे बाबा जी एक बात बताइए। अरे कौन सी बात जाननी है, जल्दी पूछिए आप सभी लोग। अरे बाबा जी, मेरे को ये बताइए, यहाँ पे बहुत खतरनाक वाले दो लावा गॉड्स आ चुके हैं जो कि हमारी धरती पे कब्जा करना चाहते हैं और वो हर कुछ टाइम में आते रहते हैं, उसे कैसे हराया जाए? उसको हराने का कोई तरीका बताइए। उसे हराने का एक तरीका है, उसको आइस गॉड तो हरा सकता है लेकिन कोई मामूली आइस गॉड नहीं। अरे बाबा जी, फिर कौन सा आइस गॉड? वो आइस गॉड जिसके पास लावा की शक्तियाँ हों। अरे फ्रैंकलिन भैया, सुना आपने? अरे हाँ सुना तो मैंने, लेकिन आइस गॉड के पास तो यार बर्फ और आइस की शक्तियाँ होती हैं और विंटर्स की शक्तियाँ होती हैं, उसके पास लावा की शक्तियाँ नहीं होती। अरे फ्रैंकलिन भैया, हम लोगों को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, मैंने तुम लोगों को रास्ता बता दिया है, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हुआ, वो तो गायब हो गए। अरे भाई साहब, बात तो सही है, वो तो अभी एक ही सेकंड पहले यहीं पे थे। अरे हाँ यार, मेरे ख्याल से वो भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, मेरे ख्याल से जो भी है। चलो गाइज, मैं तो यार सही में काफी डरा हुआ हूँ। अरे भाई कलवे, मेरे को भी काफी डर लग रहा है। चलो गाइज, अब फटाफट से चलते हैं उस आइस गॉड को ढूंढने। अरे फ्रैंकलिन भैया, भूल गए आप कि मैं यार काफी बढ़िया तरीके से मैजिकल पेंटिंग की मदद से उस आइस गॉड को बना सकता हूँ जिसके पास लावा की शक्तियाँ हों। अरे क्या बोला, तू बना सकता है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, रुक जाओ। चलो गाइस, फटाफट से मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ और एक लावा आइस गॉड बनाना स्टार्ट करता हूँ। अरे भाई, लावा आइस गॉड? अरे हाँ, लावा आइस गॉड या फिर आइस लावा गॉड, जो भी हो, मैं फटाफट से बनाना स्टार्ट करता हूँ। चलो गाइस, 3 2 1 लेट्स गो, पेंटिंग किया जाए।
तो चलो गाइस फाइनली मैंने पेंट खोल लिया, फटाफट से पेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस खतरनाक आइस गॉड का हेड। हाथ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, तू तो बहुत ही जल्दी बना रहा है। अरे हाँ हल्क, मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। अरे यार शिनचैन, ये बता कि तू इसको कौन से कलर का बनाएगा? अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो हमेशा की तरह ब्लू ही होगा। भाई क्या बात कर रहा, ब्लू होगा? अरे हाँ गाइस, ब्लू होने वाला है। अरे यार शिनचैन, मेरे को एक बात बता। अरे हाँ आयरन मैन अंकल, बताओ। इसका अगर तू कलर ब्लू करेगा तो ये आइस गॉड नहीं बन जाएगा। अरे हाँ बात तो सही है। गाइस देखो, मेरे को बनाना है आज लावा आइस गॉड, तो मेरे को इसको थोड़ा थोड़ा रेड और लावा वाला भी लुक देना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस, काफी बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया इसका लेआउट। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। अरे हाँ गाइस, बढ़िया लग रहा ना गाइस? आज यही खतरनाक वाला ब्लू आइस गॉड, या फिर बोले लावा आइस गॉड, उस पीछे जो खड़ा है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, लावा गॉड। हाँ अरे भाई, लावा गॉड ही बोलते हैं उसे। अरे हाँ, उसी को हरा देगा। अरे भाई देखते हैं कि ये हरा पाता है कि नहीं। अरे वाह शिनचैन, तूने तो यार कमाल कर दिया, तू काफी बढ़िया तरीके से ड्राइंग कर रहा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, देखो मैंने दोनों हैंड्स बना दिए, काफी अच्छे से आउटलाइन वगैरह कर दिया है। अब फटाफट से इसके बाकी फीचर्स बनाते हैं, जैसे इसके एब्स बनाते हैं और बाकी भी हिस्से बना देते हैं। अरे भाई और क्या-क्या बनाना है? अरे आईज रह गया, नोज रह गया, माउथ रह गया। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो मैंने ब्लू कलर कर दिया। अरे भाई अच्छा नहीं लग रहा, अरे तो ब्लैक कर देते हैं। अरे वाह, तू तो यार कमाल ही कर रहा है। अरे हाँ आयरन मैन अंकल, अब मैं इसको पावर दूंगा आइस वाली, यानी कि जिस पावर के वजह से इसको आइस गॉड बोलते हैं, वो वाली मैं इसे पावर दे रहा हूं। अरे वाह, ये तो काफी तगड़ा लग रहा है, बहुत अच्छा बना रहा तू। अरे हाँ हल्क, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भाई साहब ये बता कि तूने आइस वाली पावर तो दे दी, अब इसे लावा की पावर देगा क्या? अरे हाँ वही दे रहा हूँ गाइस। ये देखो मैंने इसके एब्स, यानी कि जो पेट वाला हिस्सा है, उसमें मैंने काफी सारे लावा की जो शक्तियां वक्तियां होती हैं वो सारी डाल दी। अरे भाई बढ़िया लग रहा है ये तो। अरे हाँ काफी अच्छा लग रहा है। अरे शिनचैन एक बात बता, तूने ये सारी शक्तियां तो डाल दी, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो, तो अभी शेडिंग करूंगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़े और फीचर्स डालूंगा जिससे ये और भी रियल लगे और काफी ज्यादा तगड़ा लगे। अरे भाई काफी अच्छा लुक आ रहा है यार, मैं तो कहूंगा कि यार इसे तू डन कर दे। अरे डन अभी नहीं करूंगा, अभी तो इसमें और भी फीचर्स डालने गाइस, अभी ये फाइनल थोड़ी ना हुआ है, लेकिन फाइनल हो ही गया। ये देखो गाइस, अब मैं बाकी फीचर्स डाल देता हूँ। पहले इसको कलर जो है उसका जो चेंज करना पड़ेगा, और गाइस मैंने कलर वेलर सब चेंज कर दिया। अरे भाई कलर वालर तो चेंज कर दिया, लेकिन अब तू चाहता क्या है? अरे इसको और तगड़ा बनाना चाहता हूँ गाइस, अब मैं इसमें थोड़ी सी और आउटलाइन वगैरह कर दूंगा। अरे भाई आउटलाइन? अरे हाँ गाइस, आउटलाइन वगैरह कर दूंगा थोड़ा, और गाइस उसके बाद देखना असली जलवा स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई क्या कर रहा तू? अरे शेडिंग वेडिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो मैं ब्लैक ब्लैक हिस्सों से कुछ यहाँ पे आउटलाइन वगैरह बना रहा हूँ, जिससे कि और अच्छा दिख सके। अरे भाई तूने एब्स वेब्स तो बहुत तगड़े बना दिए। गाइस देखो, इसकी सारी जो लावा वाली शक्ति है वो इसके पेट में है, जिसकी मदद से ये लावा गॉड को यूं धूल चटा देगा और लावा गॉड को खत्म कर देगा। अरे भाई ये तो तगड़ा लग रहा है। अरे शिनचैन डन कर अब। अरे ठीक है गाइस, 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या हुआ, मैंने पूरी की पूरी ड्राइंग बना दी, लेकिन वो लावा गॉड को हराने वाला आइस गॉड तो आया ही नहीं। अरे भाई बात तो सही है, तूने तो लावा आइस गॉड बनाया था ना? अरे हाँ बनाया तो था। अरे तुम लोग पीछे मुड़ के तो देखो। अरे पीछे पीछे है क्या? अरे हाँ वो पीछे हमारा इंतजार कर रहा है। अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, आइस गॉड तो आ गया, आइस गॉड तो आ गया। ओ माय गॉड, आइस गॉड तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम सभी लोग। अरे वो सब तो ठीक है, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे ये बताओ। अरे आइस गॉड पहले आप सामने देखो, वहां पे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अरे एक सेकंड। अरे हाँ वहाँ पे देखो, वो देखो दोनों लावा गॉड खड़े हैं। अरे लावा गॉड को तो तुम लोग काफी टाइम पहले ही भगा चुके थे ना, ये दो लावा गॉड कैसे आ गए? अरे इसी चीज के लिए तो तुम्हें बुलाया है। अरे मेरी शक्तियां भी उसके सामने कम पड़ जाती हैं, तुम लोगों को पता ही है। अरे हाँ इसलिए तो मैंने लावा आइस गॉड बनाया है, तुम्हारे को मैंने लावा वाली पावर्स दी हैं। कहाँ है तुम्हारी लावा वाली पावर्स, जल्दी दिखाओ। अरे लावा की पावर्स तो मेरे पास आई ही नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या बोल रहा है, आइस गॉड तो बोल रहा है कि उसके पास लावा की पावर्स आई नहीं। अरे यार मेरे को नहीं पता शिनचैन, तू ही बना रहा था, तूने आइस गॉड को खुद बनाया है अपने हाथों से, ड्राइंग भी बनाई है अच्छे से, तू ही पूछ ले। अरे यार मेरे ख्याल से तो इसकी पावर्स जो है वो नकली थी। अरे भाई मुझे भी लगता है ऐसी कोई भी पावर्स नहीं होती, यानी कि आइस लावा गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे मेरे ख्याल से तो होती होगी, तो थोड़ा सा आइस गॉड से बात करके देख। अरे यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैंने तो लावा आइस गॉड बनाया था, लेकिन तुम तो नॉर्मल वाले आइस गॉड हो, और नॉर्मल वाले आइस गॉड से वो दोनों खतरनाक वाले लावा गॉड्स तो कभी भी नहीं खत्म होने वाले। तुम्हारी बातों को मैं अच्छे से समझता हूँ, मेरी पावर्स कमजोर जरूर है, लेकिन तुमने जो आइस गॉड बनाया था यानी कि लावा आइस गॉड, वो
पावर्स मेरे को मिल सकती हैं, लेकिन उन पावर्स को ढूंढने के लिए तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। तुम लोगों को वो लावा वाला पत्थर लाना पड़ेगा जो कि यहाँ से दूर एक समुद्र के किनारे तुम लोगों को मिलेगा, या समुद्र के अंदर भी हो सकता है। अरे क्या बोला, लावा पत्थर? अरे हाँ, वो लावा पत्थर अगर तुम लोग लाओगे तो उसकी मदद से मैं अपनी लावा की शक्तियों को वापस ला सकता हूँ और मैं बन जाऊंगा लावा आइस गॉड। अरे क्या बोला, लावा आइस गॉड तुम बन जाओगे? अरे हाँ, लेकिन उस पत्थर के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को मैं रास्ता बता देता हूँ, जाओ वहाँ पे जाओ, फटाफट से जाकर वो लावा वाला पत्थर ले आओ। उसके बाद देखना मैं इन दोनों लावा गॉड को कैसे धूल चटाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, सुना आपने? अरे हाँ सुना तो मैंने, लेकिन वो लावा वाला पत्थर ढूंढना मुश्किल काम नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि वो अंधेरी रात में बहुत तेजी से चमकता है और उसका रंग भी बिल्कुल लावा जैसा होता है। तुम लोगों को वो शायद जरूर मिल जाएगा, वो समुद्र किनारे या फिर समुद्र के अंदर मिलेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे को रास्ता एक बार फिर से बता देता हूँ। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, ये आइस गॉड ने तो बहुत अच्छा काम किया। तो गाइज, हम लोगों को एक टास्क करना पड़ेगा आइस गॉड को वापस से वो लावा वाली शक्ति देने के लिए जो कि मैंने ड्रॉ किया था। लावा गॉड को हराने के लिए हम लोगों को एक लावा वाला पत्थर लाना पड़ेगा जिसकी मदद से इसमें वो शक्तियाँ रिस्टोर हो जाएंगी और ये एक खतरनाक आइस लावा गॉड बन जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो यार, देर किस बात की, अब फटाफट से चलते हैं। अरे हाँ हाँ शिनचैन, चल चल फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। चलो गाइज, अब आएगा असली मजा। उसके बाद गाइज, हम सभी लोग मिलके इन दोनों खतरनाक लावा गॉड्स को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे। अरे भाई बहुत मजा आएगा, चलो फटाफट से चलते हैं। तो चलो गाइज, फाइनली ये सभी लोग रेडी हो चुके हैं, कार के अंदर भी बैठ चुके हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि गाइज अब हम लोगों को जाना पड़ेगा एक लावा स्टोन को ढूंढने के लिए जिसकी मदद से हम अपने आइस गॉड को जो है वो लावा वाली शक्तियां दे पाएंगे। तो आइस गॉड हम लोग जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ फटाफट से वो ढूंढ के लाओ, वो पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है। अरे हाँ हाँ आइस गॉड हम जरूर ढूंढ लेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो यार फटाफट से गाड़ी भगा लो। चलो गाइज फटाफट से निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो यार, काफ़ी टाइम से आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते तो शाम हो गई। अरे भाई बात तो सही है, लेकिन हम लोगों को अभी तक वो मैजिकल पत्थर यानी कि लावा पत्थर नहीं मिला। अरे लावा पत्थर तो समुद्र किनारे है ना। अरे फ्रैंकलिन तो एक काम कर, फटाफट से हम लोगों को समुद्र किनारे ले चल, जहाँ पे उस आइस गॉड ने लोकेशन दिया था। हाँ गाइस चलो चलो फटाफट से, एक सेकंड दोनों साइड देख लेते हैं, ट्रेन तो नहीं आ रही। चलो अब फटाफट से चलते हैं समुद्र किनारे। समुद्र किनारे तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन गाइस वो वाला लोकेशन मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, वो लोकेशन काफी ज्यादा खास है। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से वो लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अरे हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो वो जो सामने में आप लोगों को एक काफी अच्छी सी खड़ी चट्टान दिखाई दे रही होगी जिसके बीच में गैप है, वो देखो बीच में छेद है ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, बीच में काफी बड़ा सा एक होल है। अरे गाइस वही है वो लोकेशन, उसी के आसपास वो मैजिकल लावा पत्थर देखने को मिलेगी, लेकिन वो पत्थर अभी नहीं, जब और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद हमें खुद ही चमकती हुई दिखाई देगी। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, तो एक काम करो आप गाड़ी साइड में लगा लो, वेट करते हैं। हाँ चलो गाइस फटाफट से वेट करते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन तू बोले तो यार, मैं ही चला जाऊं पानी के अंदर ढूंढने। अरे आयरन मैन तू जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अरे हाँ क्या पता वो पत्थर अपने आप ही चमकने लग जाए। अरे भाई मेरे ख्याल से तो कोई ना कोई ले गया होगा शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया कहीं ऐसा तो नहीं है जो चौप बोल रहा है वही सच हो? अरे मेरे ख्याल से मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि कहीं कोई उसे उठा के ले ना गया हो। अरे देखते हैं फ्रैंकलिन भैया, थोड़ा अंधेरा होने का वेट करो। तो गाइस ये देखो काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, हम लोग कई घंटे से यहीं पे वेट कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया वेट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये बताओ कि हम लोग पत्थर ढूंढने के लिए कब जाएंगे? अरे पत्थर ढूंढने के लिए मेरे ख्याल से अब जा सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ जाने की कोशिश करूँ क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया समुद्र में कुछ हुआ तो? अरे भाई कलवे तेरे को कोई ना कोई मछली पकड़ लेगी। अरे साथ में कोई मॉन्स्टर हुआ तो? अरे यार तुम लोग ऐसे मत डराओ मेरे को। अरे बाप रे पानी बहुत ठंडा है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, मेरे को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, आयरन मैन अंकल को ही भेजो। अरे हाँ यार तू रहने दे फ्रैंकलिन, मैं ही जाता हूँ। अरे यार तुम लोग बोलो तो मैं चला जाऊँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों में से जिसको भी जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को काफी डर भी लग रहा है और ठंड भी लग रही है। अरे तू नहीं जाओ। अरे आयरन मैन मैं जाता हूँ। अरे ठीक है जब तेरे को जाना है तो तू ही चले जा। अरे फ्रैंकलिन भैया लगता है आज हल्क हमारा किसी भी हाल में वो लावा वाला पत्थर ढूंढ के लाएगा ही। अरे भाई लगता तो ऐसा ही है। हाँ हाँ मैं लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। अरे ठीक है हल्क जा तू फटाफट से लेके आ, बिल्कुल भी गलती मत करियो और ढूंढ के लाइयो। अरे लेकिन वो पत्थर है कहाँ? अरे यार उसके लिए तेरे को अंदर जाना पड़ेगा। अरे ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, कैसे जाएं? हाँ अंदर तो आ गया, कहाँ है वो पत्थर, कहाँ है? अरे यार लोकेशन तो यहीं की थी फ्रैंकलिन भैया, फिर भी वो पत्थर मिल नहीं पा रहा।
अरे मैं जरूर ढूंढ लूंगा, कहाँ है वो पत्थर, कहाँ है। अरे यार जल्दी कर, यार जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो लावा गॉड जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम लोगों को पहले ही कब्जे में कर ले, बस में कर ले। अरे हाँ बात तो सही है। अरे यार एक काम कर, तू थोड़ी सी और गहराई में जा या फिर तू थोड़ा सा आगे जाके देख। अरे रुको रुको रुको, मेरे को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। अरे हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अरे लेकिन लावा पत्थर तो हो सकती है। अरे नहीं, अरे नहीं बाप रे, यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं। अरे नहीं, यहाँ तो बहुत सारी शार्क्स हैं। अरे बाप रे, ये सभी तो रखवाली कर रही है। अरे क्या बोला तूने? अरे हाँ, यहाँ पे बहुत सारी शार्क मछली है और ये सारी की सारी शार्क मछली उस जादुई पत्थर की रखवाली कर रही है। मेरे को वो पत्थर दिख चुका है। अरे क्या बोला, पत्थर दिख गया तेरे को? अरे हाँ पत्थर तो दिख गया मेरे को। अरे तुम लोग एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। अरे यार हम लोग नहीं आ सकते, तू खुद पत्थर लेके आ। अरे हाँ पत्थर लेके आ। अरे नहीं, बहुत सारी शार्क मछली है। अरे चलो कोशिश करता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी शार्क मछली है। अरे वाह, पत्थर तो मिल गया है, मैं फटाफट से इसे ले लेता हूँ, मजा आएगा। अरे बचाओ मेरे को, कोई तो बचाओ, मैं हिल नहीं पा रहा। अरे क्या बोला, हिल नहीं पा रहा? अरे हाँ, इन मछलियों ने कुछ ना कुछ तो किया है मेरे साथ, मेरे ऊपर जादू कर दिया। जैसे मैंने इस लावा पत्थर को लेने की कोशिश की, इन्होंने कुछ ना कुछ किया, बचाओ मेरे को। अरे यार तू चिंता मत कर, मैं फटाफट से आ रहा हूँ तेरे पास। अरे हाँ आयरन मैन, फटाफट से आ, इन मछलियों ने मेरे को अपने बस में कर लिया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया देखो ना, हमारे हल्क को क्या हो गया। अरे हाँ हाँ आयरन मैन, फटाफट से जाओ उसको बचा। ठीक है तू आ जा फटाफट से आयरन मैन। अरे हाँ आ रहा हूँ मैं, तू चिंता मत कर। यार आयरन मैन तू फटाफट से जा और देख कि हमारे हल्क को कुछ हुआ तो नहीं। अरे ठीक है चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। ये हल्का बच्चा सही में घोंचू ही है, मैंने बोला था कि तू मत जा, अब मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है तू, कहाँ? अरे 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 मेरे को दिख गया, ओह माय गॉड, यहाँ तो सही में बहुत सारी फिशेज हैं और ये मेरे ख्याल से हैमर हेड शार्क है। अरे यार तुम्हें मिला कि नहीं? अरे हाँ मेरे को दिख तो रहा है हमारा हल्क वो रहा। अरे मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अरे एक सेकंड, मेरे को यार इन मछलियों के पास नहीं जाना, नहीं तो यार ये मछलियां कहीं मेरे को भी शिकार ना बना ले और कहीं मेरे को भी बेहोश ना कर दे। चल चल मैं तेरे को एकदम से पकड़ने की कोशिश करूंगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। चलो 3 2 1 लेट्स गो। अरे नहीं निशाना चूक गया, दोबारा से करते कहां गया हल्का है। अरे दोबारा करते। अरे इन मछलियों को मैं अपनी पावर से भी सुला सकता हूँ। माय गॉड, एक सेकंड मैं कुछ मछलियों को तो सुला सकता हूँ। देखो काफी सारी मछलियां यहाँ पे लेट गई। अरे नहीं मेरी पावर खत्म हो गई। अरे कहाँ गया, मेरी पावर खत्म हो गई। अरे बाप रे ये क्या कर रही है मछलियां। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से आयरन मैन को भी यार ये मछलियां काफी ज्यादा परेशान कर रही है। अरे हाँ, अरे आयरन मैन प्लीज ध्यान से तू अच्छे से उनको अपने वश में करने की कोशिश कर। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता, वो खुद मेरे को अपने वश में कर रही है, मेरी पावर्स काफी कम है। एक काम करता हूँ मैं हल्क को लेके यहाँ से निकलता हूँ। तो ये रहा हल्क और मेरे को अब बस किसी तरीके से इसको पकड़ना है और मेरे को वहां पे लावा वाला स्टोन भी दिख रहा है, उसे मैं बाद में ले जाऊंगा, पहले हल्क को पकड़ते हैं। अरे गाइस ये देखो मैंने फाइनली हल्क को भी बचा लिया और साथ में लावा वाला स्टोन भी यहां से निकाल लिया है उन मछलियों के चंगुल से। अब फटाफट से यहां से निकलते हैं, चलो चलो निकलो निकलो। अरे वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, फटाफट से मेरे को बचा, मेरे को लेके चल नदी किनारे। अरे यार ये समुद्र है नदी नहीं। चलो गाइस फाइनली मैं ऊपर आ गया, अब फटाफट से अपने प्यारे हल्क को बचाते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया वो देखो हमारा आयरन मैन आ गया, उसने तो यार दोनों काम कर दिए। अरे वाह यार आयरन मैन तूने तो सही में कमाल कर दिया, तूने हल्क को भी बचा लिया और साथ में तूने इस लावा वाले स्टोन को भी खोज निकाला। अरे हाँ मैं तो हूँ ही ग्रेट। चलो चलो फटाफट से ये देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यही वो डायमंड है जिसकी बात मेरे ख्याल से वो आइस गॉड कर रहा था। अरे डायमंड नहीं है ये, मेरे ख्याल से लावा स्टोन है या लावा पत्थर जो भी बोले, काफी तगड़ा दिख रहा है। अरे भाई ये तो काफी ज्यादा चमक रहा है। अरे हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ यार, ये काफी ज्यादा चमक रहा है। चल चल आयरन मैन फटाफट से हमारे हल्क को नीचे रख। अरे उतार मेरे को नीचे। अरे ठीक है अभी उतारता हूँ तेरे को। वाह यार तुम लोगों ने तो सही में बहुत अच्छा काम किया गाइस। ये देखो ये वाला स्टोन हम लोगों को मिलता नहीं, लेकिन आइस गॉड ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दी थी इसलिए हम लोगों को लावा वाला स्टोन मिल चुका है। चलो चलो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं भी गाड़ी में बैठता हूँ और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अरे हाँ फ्रैंकी भैया चलो चलो इसे लोड भी करवा दे, हल्क तू फटाफट से लोड करवा दे स्टोन को, उसके बाद लेके यहाँ से निकलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया अंधेरा कुछ ज्यादा ही है, मेरे ख्याल से हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे हाँ मेरे ख्याल से सुबह तो हो ही जाएगा वहां तक जाते जाते, चलो फटाफट से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को तो यहाँ से हमारा आइस गॉड भी दिख रहा है। अरे हाँ वो देख ऊपर आसमान में उस साइड दिख रहा है। चलो गाइस अब फटाफट से निकलते हैं। अरे अच्छा हुआ आज हम लोगों ने बड़ी आसानी से ये स्टोन ढूंढ लिया। अरे यार तूने थोड़ी ना ढूंढा हल्क, हमारे आयरन मैन ने ढूंढा है। अरे हाँ उसने मेरी जान भी बचाई, थैंक यू आयरन मैन। अरे यार कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज था। चलो चलो गाइस अब फटाफट से पहुंचते हैं फटाफट से अपने प्यारे आइस गॉड के पास और उसको देते हैं ये लावा स्टोन, जिसके बाद
वो आइस गॉड लावा आइस गॉड बन जाएगा और उस खतरनाक वाले लावा गॉड को हरा पाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, एक लावा गॉड नहीं, दोनों लावा गॉड्स को हरा पाएगा हमारा आइस गॉड, मतलब एक तरीके से हमारा आइस लावा गॉड। अरे भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे हाँ, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं। अरे चलो गाइस, फटाफट से पहुंचते हैं और अपने आइस गॉड को ये लावा स्टोन देते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली काफी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने आइस गॉड के पास। आइस गॉड, अरे तुम लोग ले आए क्या? अरे हाँ आइस गॉड, ये देखो तुम्हारा वो लावा वाला स्टोन हम लोग लेके आ गए। अरे वाह, बहुत अच्छे। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मैं अब नॉर्मल आइस गॉड से सीधा बन जाऊंगा लावा आइस गॉड। चलो अब मैं तुम लोगों को अपना कमाल दिखाता हूँ। 3, 2, 1। अरे यार आइस गॉड, ये बताओ कि ये स्टोन तुम अपने पास बुलाओगे कैसे? अरे सब कुछ मेरी शक्तियों से, ये देखो ये स्टोन हवा में उड़ के मेरे पास आ जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, वो स्टोन तो गायब हो गया। अरे वो स्टोन अब मेरे पास है। तो ये देखो फ्रैंकलिन, मैं फाइनली कन्वर्ट हो चुका हूँ नॉर्मल आइस गॉड से लावा आइस गॉड में। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरी वाली ड्रॉइंग जैसा ही दिखता है। अरे हाँ सही बात है। अरे यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं सही में एक लावा आइस गॉड को देख रहा हूँ। अरे हाँ बात तो सही है, मेरे को भी भरोसा नहीं हो रहा। अरे भाई कलवे, ये तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अरे अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे अब मैं इन दोनों लावा गॉड्स को यूं धूल चटा सकता हूँ। अब देखना मैं कैसे इनकी सारी शक्तियों को इनसे कर, इनको ब्लैक गॉड में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे क्या बोला, ब्लैक गॉड में? अरे हाँ ब्लैक गॉड में। अब देखना क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले रात को दिन में बदल दूंगा। 3, 2, 1, दिन हो जा। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये देखो फाइनली दिन हो गया। अरे भाई बड़ी जल्दी दिन कर दिया इसने तो। अरे हाँ क्या करूँ, मेरे पास शक्तियां अब इतनी सारी हो गई है। कहाँ है वो लावा गॉड का बच्चा? अरे यार लावा गॉड का बच्चा मेरे ख्याल से इधर ही तो था, कहाँ छुप गया क्या? मेरे ख्याल से उधर होगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, अब आएगा ना असली मजा। अब देखते रहो, तुम लोग पूरी फिल्म देखो। अब मैं क्या करता हूँ सब दिख जाएगा तुम लोगों को। लावा गॉड, अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझे तो हम बहुत पहले ही हरा चुके हैं और मैं अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ, बहुत ज्यादा पावर्स है मेरे पास। ये देख, मैं अपनी पावर को थोड़ी ही देर में इस पूरी की पूरी धरती पे डाल के सभी लोगों को गुलाम बना दूंगा और तुम्हारी धरती को हमेशा हमेशा के लिए लावा गॉड की धरती बना दूंगा। हमसे पंगा लेने के बारे में दोबारा मत सोचो, इस बार हम लोग दो हैं और तू अकेला। अरे तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, मैं कोई नॉर्मल आइस गॉड नहीं, मैं हूँ एक खतरनाक लावा आइस गॉड। तो किसी और को डर रही हो, इस लावा आइस गॉड के नाम से हम कभी नहीं डरेंगे। अब देख हमारी शक्तियों का इस्तेमाल मैं तेरे पे कैसे करता हूँ। अब देख कैसे मैं अपने खतरनाक पावर से तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो तेरी गलत फहमी है। अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल तेरे ऊपर करूंगा, ये ले। तू बच नहीं सकता। अरे अब मुझे न लावा से फर्क पड़ता है और ना ही खतरनाक ठंडी से, क्योंकि मैं अब लावा इस गॉड हूँ, समझा क्या? अब मैं तेरे को दो हिस्सों में बांट दूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। हा एक सेकेंड, इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? अरे मैंने बोला ना मुझे अब कुछ नहीं हो सकता। ये ले बहुत बोल रहा है, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे इसे कुछ होता क्यों नहीं? ये ले दोबारा से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तेरे पे करूंगा। खतरनाक आग के गोलों से लावा के गोलों से कैसे बचेगा? अरे मैंने बोला ना कि तू मुझ पे जितनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा मैं उतना पावरफुल बन जाऊंगा। अब हो गया, अब मेरी बारी है। अभी कुछ नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है, अब मैं तेरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अरे मुझे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास लावा की शक्तियां आ चुकी है। तू जानता नहीं मेरे पास लावा वाला खतरनाक स्टोन है। क्या बोला, लावा स्टोन तेरे को कैसे मिला? ऐसा नहीं हो सकता। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, समझा क्या? अरे तू मेरे छोटे भाई को परेशान नहीं कर सकता। अच्छा तो अब वो पीछे वाला लावा गॉड भी फालतू बोल रहा है। मैं अभी तेरे पास आता हूँ और तेरे सारी शक्तियों को नष्ट कर देता हूँ। अरे मेरे से फालतू बोलता है लावा गॉड, आ जा मेरे पास। रुक जा, अब मैं तेरे पास आके तेरी सारी शक्तियों को खत्म कर दूंगा।
अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो देखो वो दूसरा वाला लावा गॉड तो हमारे आइस गॉड के पास आ रहा है। अरे भाई सही बात है, वो तो इधर ही आ रहा है। हे हे, आप देख मैं क्या करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या करें? अरे तुम लोग शांत रहो, जरूर हमारा लावा आइस गॉड कुछ ना कुछ करेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ बहुत तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। अच्छा तो अब मेरे सामने दो दो लावा गॉड्स हैं और मैं अकेला। हे 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 हे, अब तेरा बचना नामुमकिन है। तू मेरे छोटे भाई से पंगा मत लियो, वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा, समझा क्या? अरे हाँ सही बोला, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास कोई भी इंसान कोई भी आइस गॉड टिक नहीं सकता, समझा क्या? अरे मैं टिक सकता हूँ ना, मैंने बोला ना मैं नॉर्मल आइस गॉड नहीं, मैं हूँ एक लावा आइस गॉड। अब मैं दिखाता हूँ अपनी शक्तियाँ। हे दिखा जरा शक्तियाँ, हम भी तो देखें। सबसे पहले बर्फीला मौसम, जिससे कि तुम्हारी तपती हुई खतरनाक ये लावा बॉडी वाली शरीर जो है वो खत्म हो सके। हे हमें भी कुछ नहीं होता, तू चाहे सर्दी का मौसम बना दे या फिर हम पे पानी डाल दे, समझा क्या? अब मैं अपने पेट में मौजूद इस लावा वाली शक्ति का इस्तेमाल करूंगा और तुम लोगों की लावा वाली शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर के अंदर संभालूंगा। हे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझा क्या? अरे हाँ कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। चल शुरुआत करते हैं हम सबसे बड़े वाले नॉर्मल लावा गॉड से। हे मुझसे शुरुआत करेगा, देखते हैं तेरी शक्तियों के जलवे। तू फेल होता है या पास सब पता चल जाएगा, और अगर तू कुछ नहीं कर पाया तो फिर तू बचेगा नहीं। तू बहुत बोलता है, चल अब तेरी सारी शक्तियों को ले लिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। हे तू क्या करना चाहता है, ये क्या कर रहा है? ये ले, अब तेरी सारी शक्तियां मेरे पास आ जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बचाओ! अरे ये क्या हुआ, मेरी सारी शक्तियां कहाँ चली गई? अरे छोटे भाई ये देख इसने क्या किया। अरे तूने ये क्या कर दिया, बड़े भाई की सारी शक्तियां कैसे ले ली तूने? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बचा मेरे को बचा। अरे सबसे पहले मैं अपनी जान तो बचा लूं, नहीं तो ये मेरी शक्तियां भी छीन लेगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं मेरा छोटा भाई तो भाग गया, बचाओ कोई तो बचाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया वो देखो लावा गॉड तो रोने लग गया, क्योंकि उसकी सारी की सारी शक्तियां हमारे आइस गॉड ने ले ली और अपने खतरनाक वाले पेट में उसकी सारी शक्तियां डाल ली है, और उसका छोटा भाई तो भाग गया। अरे भाई मजा ही आ गया। नहीं नहीं मेरे को तूने तो सही में ब्लैक गॉड बना दिया, जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है। नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, बचाओ। क्यों समझ आ गया, बोला था ना मैंने कि मुझसे पंगा मत लियो, मैं पुराना वाला आइस गॉड नहीं हूँ, अब मुझे ना ही लावा से फर्क पड़ता है ना ही आइस से, मैं हूँ एक खतरनाक लावा आइस गॉड, मेरे पास है लावा की शक्तियाँ और खतरनाक आइस की शक्तियाँ, मुझसे अब कोई भी लावा गॉड नहीं जीत सकता, समझा क्या? ये क्या बना दिया तूने मेरे को जल्दी से ठीक कर। अरे ठीक तो मैं तुझे कभी भी नहीं करूंगा, अब तू एक तरीके से पत्थर का बन चुका है, ना तू हिलेगा और ना ही तू डूलेगा, अपनी एक ही पोजीशन पे हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रह जाएगा और कोई भी तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। अरे पहले तो तू वहां से हिल के दिखा, मजा आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया ये देखो आइस गॉड तो आ गया। अरे हाँ मैं देख पा रहा हूँ, ओ माई गॉड हमारा आइस गॉड आ चुका है। ओ माई गॉड आइस गॉड तूने तो सही में कमाल कर दिया, उस खतरनाक वाले क्या बोलते हैं, लावा गॉड बोले या ब्लैक गॉड? अरे अब तुम उसे ब्लैक गॉड बोल सकते हो, जो कि एक पत्थर का गॉड है और उसके पास कोई भी शक्तियां बची नहीं, क्योंकि उसकी सारी शक्तियों को मैंने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अरे एक सेकंड मैं उसकी हालत तो देख के आऊं। अरे फ्रैंकलिन भैया अकेले अकेले देखोगे क्या? अरे हाँ मैं एक मिनट जाता हूँ और देखता हूँ कि वो ब्लैक गॉड का बच्चा है कहाँ पे, जो कि पहले एक लावा गॉड हुआ करता था, लेकिन फाइनली हमारे आइस लावा गॉड ने या फिर लावा आइस गॉड ने उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और देखो गाइस वो बन चुका है एक ब्लैक गॉड, यानी कि अब उसके पास कोई भी शक्तियां बची नहीं है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा क्या? अरे नहीं हिल तो वो पहले भी नहीं पाता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाएगा, ना ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अब वो एक स्टैचू यानी कि मूर्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अब वो एक मूर्ति का काम करेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया अब तो यार कोई भी आसानी से उसे तोड़ सकता है। अरे भाई बात तो सही है। अरे वाह आज का दिन तो सही में गाइस बहुत ही अच्छा गुजरा। गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो फटाफट जाओ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो।
और गाइस आज का दिन सही में बहुत ही अमेजिंग था। आज हम लोगों ने मिलकर ड्रॉ किया इस खतरनाक वाले आइस लावा गॉड को या फिर लावा आइस गॉड को। अरे हाँ, लावा आइस गॉड बोलो फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ वही, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये लावा आइस गॉड। और गाइस इसने हमारी जान बचा ली और उन दोनों लावा गॉड्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अरे नहीं, दोनों लावा गॉड खत्म नहीं हुए हैं। वो जो छोटा वाला लावा गॉड था जो कि काफी शैतान और काफी खतरनाक था, वो तो गायब हो गया, भाग चुका है वो कभी भी आ सकता है। अरे क्या बोला, वो छोटा वाला लावा गॉड आ सकता है? अरे नहीं गाइस, ये तो अभी भी बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है, टेंशन की बात है। कोई बात नहीं गाइस, हमारे पास तो लावा आइस गॉड है, ये हमें बचा ही लेगा। तो गाइस जाओ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना और आज के लिए बस नहीं, बाय बाय।